बढ़िया हारने के बाद जो सबसे पहली रेस हमें जिताया वो हमको लाल बादशाह ने जिताया, तो जाहिर है कि उससे ही मोहब्बत है। सबकी नजर में सेल था घोड़ा, शायद 50-60 हजार में दे देते। अच्छा। हाँ, फिर भदरी के 6 महीने के बाद ये घोड़ा हमने 10 लाख कर लिया। अरे, घोड़ियों का पार्टीशन इधर कर दिया है बाग में। हाँ, हमें बच्चा पहली बार बादशाह से, अब 9 करवाई है ये भी इंशाल्लाह करा देंगे। हाँ। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर, मलियाबाद आया हुआ हूं और मोहम्मद नगर में हूं। अब मैं जिससे आपको मिलवाऊंगा ना, वो आप ये समझ लो कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा जाएगा। घोड़ेबाजी की जब बात होगी आगे चल के कि भाई चालबाज घोड़े हिंदुस्तान में किसके थे, कौन था, क्या था, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, खासा करेंगे, तब एक नाम हमेशा याद रखा जाएगा। वो नाम है ख्वाजा मोहम्मद गौस खान। हम वहीं आए हुए हैं जहां लोग आना चाहते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा काम तो है आपको वीडियो दिखाना। तो हम गौस भाई के पास आए हैं और इस वीडियो में हम आपको लाल बादशाह घोड़ा दिखाएंगे। वही घोड़ा जो सपनों में आता है सबके, हर आदमी ये चाहता है कि लाल बादशाह जैसा घोड़ा मेरे पास हो। इस घोड़े ने जितनी भी चैम्पियनशिप में पार्ट लिया है वहाँ कभी इसने हार का मुंह नहीं देखा है, दूसरों को धूल में झोंक दिया है। गौस भाई ने हमें बताया कि लाल बादशाह का थोड़ा सा परिवार भी बढ़ाना है और नस्ल अपने पास रखनी है। तो चलिए वही चैंपियन घोड़े को देखेंगे जिसको लोग देखने को तरसते हैं और हम आपको घर बैठे दिखा रहे हैं। चलिए आइए गौस भाई से मिलेंगे और लाल बादशाह की बातें करेंगे, पूछेंगे उसके बारे में। और दूसरी चीज़, अगले वीडियो में इनके सारे घोड़े दिखाएंगे, जैसे मलंग है और भी नामी घोड़े हैं, सबसे मिलवाएंगे। अभी देखिए लाल बादशाह का वीडियो जो एक्सक्लूसिव है, ये वाला बाप बनने वाला। चलिए आइए बात करते हैं। चलिए अब फार्म में चलते हैं गौस भाई के, और लाल बादशाह घोड़े के बारे में सबसे पहले जानेंगे इस वीडियो में, और अगले में सारे उनके घोड़े देखेंगे जो सब चालबाज घोड़े एक से एक हैं। गौस भाई देखिए सामने ही खड़े हुए हैं, क्या हाल है गौस भाई? बस बढ़िया, आप बताइए आतिफ भाई, क्या बस सब खैरियत है? आपको देख के और मज़ा आ गया। गौस भाई बहुत दिन बाद वीडियो में दिख रहे हैं, ऐसा क्या है, इंटरव्यू नहीं देते हैं क्या किसी को? नहीं, बहुत कम, वो लव सिंह भाई लेते हैं बस। थोड़ा सा जब सब मिल जाते तो दे भी देते, परहेज थोड़ी किसी चीज़ से। जब मुझे यहाँ का पता चला जैसे मलियाबाद गौस खान का नाम आता है तो चालबाज घोड़ों की बात आती है। जी आती है। और चालबाज घोड़ों की बात जब होती है तो एक घोड़े का नाम आता है लाल बादशाह जी। उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे स्टार्टिंग में, फिर घोड़ा देखेंगे। घोड़ा उस्मान भाई एक इलाहाबाद के दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे जी जी, उनके पास में था, बलोतरा से लेके आए थे जी। तो 2018 में हमने उनसे ले लिया। इस घोड़े की हिस्ट्री है कि 2017 में भदरी की रेस थी, भदरी का मेला था, तब उस्मान भाई जो है यूं ही फ्री ही सब्जियां दे रहे थे। अच्छा। घोड़ा 30-30 चलता था, सबकी नज़र में फेल था घोड़ा। हाँ। हमें भी कहा उस्मान भाई ने कि घोड़ा ले लिए, जय रुपये दिए, दिए दिए ना दीजिए कोई बात नहीं। हाँ। शायद 50-60 हजार में दे देते। अच्छा। हाँ, फिर भदरी के 6 महीने के बाद ये घोड़ा हमने 10 लाख का लिया उन्हीं उस्मान भाई से। अच्छा। ये 30-30 चलता था घोड़ा। हाँ हाँ। तब इतनी वो नहीं थी। हाँ। क्या करेगा क्या नहीं करेगा तो कोई नहीं बता सकता, आगे चल के घोड़ा क्या करेगा। हाँ, ये तो सही बात है। तीसरी चलता था तो हमने पता नहीं किस काम का होए ना होए। हाँ, हटाओ। हाँ। फिर घोड़ा जब हमने लिया है तो ये 39-40 चलता था। अच्छा। मतलब 40 के अंदर ही था, ऊपर नहीं था जब हमने लिया, और 2 दांत था। अच्छा। फिर 6 महीने के बाद भदरी रेस थी। अच्छा। इसकी तैयारी कराई, भदरी रेस लड़ाई, फर्स्ट आ गया। और भदरी रेस हिंदुस्तान की एक बड़ी रेसों में से एक है। हाँ, रेस अच्छी है। और आप उसमें उस टाइम शायद नए थे, ऐसा कुछ था? हमें भाई 2016 से जो है हमें चाल का शौक लगा। इतने साल में
इतना सब कुछ। पहला घोड़ा हमने सब्जा खरीदा बलोतरा में, चाल वाला सिंधी, 2016 वाले मेले में खरीदा था। और 17 छोड़ 18 में हम भदरी जीत गए थे। एक साल सब्जे से हम हारे भदरी, सब्जा लेके गए थे भदरी, हम हार गए भदरी रेस। घोड़ा काम नहीं किया, सवार नहीं मिले अच्छा, और शुरू शुरू का मामला था। लेकिन दूसरे साल हमने भदरी जीत ली, अल्लन जितवा दी। तो ये कम टाइम फिर है? फिर दूसरे साल जीती, 2019 भी जीती। अच्छा। 2018 दो साल लगातार जीते। इस साल पानी गिर गया, रेस नहीं हो पाई। लाल बादशाह घोड़ा, जब जैसे चाल की बात आए, स्पीड में बहुत डाउट रहता है लोगों का। इसका जैसे पता चलता है, पहले एक बार घोड़ा देख लेते हैं, घोड़ा दिखा दें व्यूअर्स को। घोड़ा ये देखिए, यही वो घोड़ा है जो आप कह सकते हैं कि रफ्तार का जो सौदागर है ये जब चलता है तो ये हवा से बातें करता है। और हिंदुस्तान में चुनिंदा घोड़े हैं जिनका चालबाज में नाम आता है, तो अगर उनमें आला दर्जे की बात करी जाए तो लाल बादशाह का नाम लेने से मैं तो कोई परहेज करता ही नहीं हूँ। क्योंकि ये घोड़े, मैं ये कह सकता हूँ घोड़ा जो है ले जाओ किस्मत। क्यों गौस भाई? हाँ किस्मत है ये तो। हाँ घोड़ा किस्मत है, परख पुरुख कुछ नहीं। गौस भाई एक सवाल कि जब आप इस लाइन में आए तो आपके लिए लाइन तो नहीं थी, घोड़े आपने पाले थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि लाल बादशाह से आपको एक पहचान मिली। हाँ भाई एक तरह से कह सकते हैं, घोड़ा रेस जीता हमारा। हाँ हाँ हम लेके आए 6 महीने के बाद भदरी रेस थी। हाँ हाँ हमारा घोड़ा रेस जीता। हाँ भाई जब जीतता है तो भाई नाम तो होता ही है, नाम ही के लिए हर आदमी घोड़बाजी करता है। और चालबाज में तो और तो कुछ है नहीं, बस नाम के लिए बस ही भाई नाम है। चालबाज घोड़े पालने का मतलब सिर्फ नाम, बाकी लोग व्यापार भी करते हैं, लेकिन व्यापारी करते हैं व्यापार, लेकिन चालबाज घोड़ा ज्यादातर जो पालता है वो नाम के लिए पालता है। तो अब सबसे फेवरेट आपका कौन सा है, जो दिल के करीब है, चांद का टुकड़ा है, राज दुलारा है, ये कौन सा घोड़ा है? भाई घोड़े हमारे सब अच्छे हैं, लेकिन एक तो होगा ना, मलंग अच्छा है, कई रेस जीता, ये अलसा का बच्चा है जी, ये अच्छा है, दो घोड़े और हैं जी हमारे पास, हमने मंगवाए थे जी जी। लेकिन भाई देखिए, जो सबसे पहला घोड़ा हमारा रेस जीता हमारे पास, एक साल मतलब स्ट्रगल यूं कह लीजिए, एक साल वो बढ़िया हारने के बाद जो सबसे पहली रेस हमें जिताया वो हमको लाल बादशाह ने जिताया। तो जाहिर है कि उससे ही मोहब्बत हमको सबसे ज्यादा, जिगर का टुकड़ा है। कितने खरीद ले, मान के कुछ हो जाता है, एक लगाव जानवर से, इससे भी भाई दुनिया बड़ी है, हमेशा शेर को सवा शेर मिला है, ताजुब ना, इससे भी ज्यादा चलने वाला घोड़ा, ऊपर वाले का साचा चलता रहता है वो। लेकिन जो अभी फिलहाल इसकी मोहब्बत है वो अभी, बाकी घोड़े सब अच्छे, बाकी किसी नहीं। इसकी नस्ल लोग जानना चाहेंगे, किस नस्ल का घोड़ा है? बदनस्ला है, अनुसूचित जाति, इसकी कोई नस्ल का पता नहीं कह सकते, क्योंकि अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि परख से बहुत भाई, और लोगों को होगी परख, भाई मुझे नहीं ना परख। अच्छा परख नहीं है और फिर भी इंडिया टॉप के घोड़े हैं? अल्लाह जाने, अल्लाह की मेहरबानी समझिए, उसका करम समझिए, जिस चीज में हाथ डालते हैं ऊपर वाला कामयाबी देता है, बुजुर्गों का रहम करम समझिए। हमारे सारे घोड़े ज्यादातर जितने चलने सब कानबाज हैं, मलंग कानबाज है, बादशाह कानबाज है, ये बच्चा कानबाज है। ये कहावत ही आपने खत्म कर दी, कानबाज दौड़ता नहीं, सामने है ये भी आपके सबके सामने है, और यहाँ से जैसलमेर तक की घोड़ा नापा जा चुका है। किसी से पूछ लिएगा ये इंटरव्यू, बहुत लोग देखेंगे और बहुत लोगों ने इसको नापा, बरमपुर में नापा मीटर लगा के, चाहे जैसे कोई नाप ले। तो कितनी स्पीड आपके हिसाब से हाई? भाई हम इसको 40 प्लस मानते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे लोगों का कहना है कि 45 तक गया है ये। वो 45 तक गया है, 100 तक गया है, वो अलग की बात है, लेकिन हम एनी टाइम कोई भी आ जाए घोड़ा 40 प्लस हम नपवा सकते हैं। जहाँ नहीं आए हमें बुला ले, हम चले आए, हम नपवा सकते। तो अभी इसकी कहाँ की तैयारी है? अभी साहब इसकी भदरी की तैयारी है, इसके कुछ थोड़ा सा एक पैर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, थी अच्छा। माशाल्लाह ठीक हो गई है घोड़ा, करीबन 2-3 महीने से, आज 4 महीने हो गए रेस्ट पे था। अब धीरे धीरे जो है इसकी तैयारी चालू हो रही है, अब पैर माशाल्लाह एकदम ठीक है घोड़े के,
लेकिन रेस्ट और दे देंगे एक डेढ़ महीना तो और सब पक्का हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आपने इसका थोड़ा सा सोचा है कि नस्ल बढ़ाने के लिए, उसके नसल लिए? बढ़ाने के लिए सोचते हम थोड़ी हैं, पता नहीं क्या ऊपर वाला हमसे मोहब्बत करता, हम रात में सोचते हैं सुबह पूरी हो जाती। अच्छा, 10 घोड़ियाँ खरीद ली, 10 घोड़ियाँ मेरा ख्याल डेढ़ महीने के अंदर 10 घोड़ियाँ इससे क्रॉस करा दी, 10 घोड़ियाँ करा दी। एक हमने घोड़ी इससे क्रॉस कराई थी करीबन साल भर पहले, साल नहीं करीबन, हाँ साल के ऊपर हो रहा है, इस टाइम इसका बच्चा होता, लेकिन वो 6 महीने की घोड़ी अबॉर्ट कर गई। अच्छा अच्छा, बच्चा अबॉर्ट कर दिया। अच्छा, ये लोग ये कहते हैं कि चालबाज घोड़ों को भाई नहीं छोड़ना चाहिए घोड़ियों पर। नहीं भाई, हमें तो कोई फर्क नहीं लगा, हमने तो 9 घोड़ी क्रॉस कराई, एक पहले से कोई गाबिल नहीं। अच्छा, अब फिर करा देंगे दूसरों को, ये मिलेगी अगर जैसे पैसे दे के करते हैं वो सब क्रॉसिंग? हाँ। नहीं भाई, वो हराम है, ठीक ये है। हमने फतवा पूछा। अच्छा, हाँ क्रॉसिंग का जो पैसा लेगा वो पैसा हराम है हम लोग के मजहब में। चलिए ठीक है, वो आपका भाई अपना अपना मानना है, लोग कर रहे हैं वो अलग बात, भाई करें भाई करी सभी रखे। आप देख सकते हैं लाल बादशाह घोड़ा, तेवर ही देखिए। एज की बात करें तो अभी कितनी एज, कितनी ये हो 7 साल का हो गया, 7 साल का हो गया। हाँ। और हाइट कितनी है इसकी गोस भाई? हाइट 59 होगी। अच्छा 59। और मार्किंग 2 पैर हैं पीछे के सफेद, 2 पैर पीछे सफेद हैं, दोनों दो वो हैं, क्या है गोलू है, 2 देवबंद है इसके, दिखाओ जरा, 2 देवबंद। हाँ 2 देवबंद, हम तो मानते नहीं है भौरा भौरी भाई। हाँ हाँ हाँ, लेकिन फिर भी। और ये सवार भी हैं देखो, गोलू आए हुए हैं यहाँ पर, ये इसके सवार परमानेंट ही हैं, ये 2 देवबंद। ये सवार क्या है, ये एकदम भाई की तरह है समझ लीजिए, 2 देवबंद है और माथे पे पट्टा है। अभी ये समझ लीजिए 4 महीने हो रहे होंगे। हाँ। 4 महीने से रेस्ट में है, इसके मुट्ठे में इंजरी आ गई थी। अच्छा, लेकिन अब माशाल्लाह एकदम ठीक है, चला के दिखा दो, ले भाई दो लड़के ले ले, अभी पीठ नहीं दी है 3-4 महीने से, लेकिन हाथ पे रोज 4-5 किलोमीटर टहलता है। देखिए अभी एकदम फिट है घोड़ा, नजाकत ही अलग है इसकी। थोड़ा और रफ्तार में बढ़ा के दिखा दो भाई, देखो देखो देखो, बख्शेगा नहीं, बढ़ा लो। चलिए गौस भाई घोड़ियाँ देख लेते हैं, आइए इससे जो घोड़ियाँ क्रॉस करवाई हैं जी। ए छोड़ दो रवि, तो लाल बादशाह की हमसे ज्यादा स्टोरी जो है। हाँ। वो इरफान को मालूम है। अच्छा, क्योंकि हमसे इरफान ही ने कहा सबसे। अच्छा। पहले आके। अच्छा, कि गौस भाई एक घोड़ा है ले लीजिए, फैजाबाद में सरफराज। अच्छा। भाई ने रेस कराई थी। अच्छा अच्छा, एक घोड़ा है ले लीजिए। अच्छा, घोड़ियों का पार्टीशन इधर कर दिया है बाग में। हाँ, अब ये और बनने जा रहा है, इस पे शेडेड पड़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ये फिलहाल जल्दी, ये समझ लीजिए एक 1.5 महीने के अंदर सब 10 ले डाली। लाल बादशाह के लिए 10 घोड़ी इकट्ठा ले लिया आपने? इकट्ठा क्या मतलब, 3-3, 4-4 करके। हाँ। एक 1.5 महीने के अंदर लेके सब क्रॉस करवा दी। घोड़ियां भी हाइटदार है खूब। हाँ, घोड़ी 63 इंच है। 63 इंच है ये घोड़ी, जब हमने ली तो गाभिन थी। अच्छा, ये वो कर गई अबॉर्ट, ये भी कर गई। अच्छा हाँ, तो नस्ल तो ये करीबन 8 महीने। हाँ, ये सिंधी में बहुत अच्छी नस्ल की घोड़ी। घोड़ी की हाइट तो अच्छी है इसकी, बढ़िया हाइट है, हाइट बढ़िया है, कान पत्ती बढ़िया है, नस्ल की अच्छी है। और देख लेते हैं और कौन सी घोड़ी चलती भी है। अच्छा, चलती भी 32 चलती है। अच्छा अच्छा, कोई भी घोड़ी जो हमने क्रॉस बादशाह के लिए खरीदी है वो कोई भी घोड़ी बगैर चलती हुई नहीं ली। अच्छा, सारी चाल वाले सब 30, 32, 33 ये घोड़ी चलती 36। अच्छा, 36, 35, 36 चौताला चलती है, अभी उदंत है। अच्छा हाँ, ये अभी दत्ती नहीं है, दत्त गई इरफान भाई क्या है, 2 दांत हुई है, अभी 2 हुई होगी। अच्छा, अभी 2 हुई है, तो ये भी हो गई है। और ये भी है सब, ये बदामी घोड़ी है, इसकी नस्ल देखिए। ये चलती है 33-34 चालबाज माधुरी। अच्छा, माधुरी चलती है। माधुरी चलती है, वो चौताला चलती है। हाँ। वो माधुरी चलती पच कल्याण। ये चाल चलती है 30-32 की चौताला। हाँ। ये घोड़ी माधुरी चलती है। अच्छा, 32-33 माधुरी अच्छी चलती है। और देख लेते हैं आगे भी है और दिखाएं, ये क्या हो गई, 5 हो गई। हाँ। अब धीरे धीरे इनका अब जो है थोड़ा। हाँ। बारिश हो गई थी, आप देख ही रहे होंगे। हाँ, हाँ, हाँ। वरना यहाँ काम लग जाता, पूरा टीन शेड का अस्तबल सब बन जाता। लेकिन ये जगह बड़ी सुकून की है। हाँ भाई, ठंडा। हाँ। ये घोड़ी माधुरी है।
अच्छा, ये भी मादरी चलती है। ये एक पोनी रखे हुए हैं, वही बिटिया अपने। अच्छा अच्छा, खेलती खालती अंदर लॉन में चला जाता। ये सुरंग घोड़ी देखिए, उदंत है अभी। अच्छा ठीक, ये घोड़ी गाभिन है, ये इसी से 9 घोड़ी है, बादशाह से क्रॉस हो चुकी है। ये घोड़ी गाभिनी हमने ले ली। अब ये राजस्थानी की गुजरात की गाभिन, वो बेंडे की नस्ल की है, भुज की गाभिन है घोड़ी। अच्छा, ये मेरा ख्याल महीना डेढ़ महीना में जब बच्चा दे देगी तो फिर इसको भी इंशाल्लाह बादशाह से ही करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बादशाह से दिखाओ, ये घोड़ी दुल्की चलती है। अच्छा, प्योर दुल्की। और भाई 34 में कोई दाग नहीं है। अच्छा हाँ, 34 चलती है, प्योर दुल्की चलती है, मतलब 34 से नीचे नहीं है, प्लस होगी सब। अच्छा, प्लस ही है। हाँ, दुल्की में। इस घोड़ी को भी हमने बादशाह से भरवा दी। इसकी नस्ल में बताइए क्या तोड़। घोड़ी चलती है। हाँ हाँ। इसके पैर में हाँ। थोड़ा सा दिक्कत थी सुम में। हाँ हाँ। लेकिन अब ठीक है। हाँ, ठीक हाँ। हो गई। घोड़ी की नस्ल दिखाओ जरा। ये घोड़ी 33-34 चलती, चौताला इस हालत में। अच्छा, इधर पीछा करो आप, बेल देखिए कितनी लंबी। ये मेरे ख्याल 1.5 महीने की हो गई, 2 महीने की। ये सुरंग है। अच्छा, ये अभी बच्ची है, इस पे अभी पीट भी नहीं दी गई। अच्छा, पीट भी अभी नहीं दी है। बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग कहते हैं आके कि अगर इसको आप बनवाइए तो ये रेस लड़ सकती है। अच्छा, ये घोड़ी वो महुआ सरंग जो 35-36 चलती है, चौताला। इरफान भाई भी कहते बोलो लेकिन क्या बनवाए, हमें बच्चा पहली बार बादशाह से, मतलब 10 करवाई है, 9 करवाई है, 10 करवाएंगे। हाँ, ये भी इंशाल्लाह करा देंगे। हाँ, और एक आध घोड़ी और अच्छी लग गई तो हाँ, वो भी खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बादशाह वही, लेकिन सब बादशाह से कराएं, तो सबकी वीडियो मौजूद है। अच्छा, क्रॉसिंग की। अच्छा, दो दो तीन तीन बार की सब घोड़ियों की वीडियो है हमारे। हाँ, तो उसमें पिन ड्राइव में करा के सब रखवा दी। ऐसे कोई कहता है बादशाह का बच्चा नहीं है ये वो, तो अपने लिए रख रहे हो ना। हम अपने लिए रख रहे हैं, लेकिन कुछ होता है, कुछ लोग झक्की फंस जाते हैं। ये तो है। ये घोड़ी अभी मेरा ख्याल, हमें लगता है कि 10-15 दिन में बच्चा दे देगी। हाँ, लग तो रहा है ऐसा। तो गौस भाई, सारी प्लानिंग है बादशाह की, बिल्कुल एकदम भाई साहब। 10 है, 10 में से हाँ, कुछ तो ऊपर वाला करे भाई। हाँ, सभी हाँ, अच्छे से बच्चे दे दें। हाँ, 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 हमारी तो यही कोशिश है, बाकी सब दार मदार अल्लाह ताला के हाथ में है। सही बात है, है कि नहीं? ठीक कह रहे हैं, देखा जाएगा जो होगा। हमने सब करा कुरूप खत्म। तो आपको हमने अभी विवर्स लाल बादशाह की पूरी कहानी बताई, क्या है, क्या रहा उसका सफर गौस भाई के साथ। अच्छी प्लानिंग है आगे के लिए आपकी। हमने तो अच्छा सोचा, बाकी अब ऊपर वाले की मर्जी। अच्छा ही होगा, अच्छा सोचा है तो। अच्छा सोचा है तो बिल्कुल अच्छा होगा, हमारे साथ हमेशा अच्छा होता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अगले वीडियो में और भी घोड़ा घोड़ी हैं, जो घोड़े हैं आपके सारे चालबाज, अगले वीडियो में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। गौस भाई, लाल बादशाह की कहानी सुन के बड़ा मजा आया जी। और आपका बेबाक अंदाज तो मशहूर ही है। बाकी अगले वीडियो में व्यूअर्स आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अभी मुझे इजाजत दीजिए गौस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई सबका। अगले वीडियो में बहुत जल्द आप सबसे मिलते हैं। धन्यवाद। सॉरी।